बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है कानून शहादत का, वो है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। आर्टिकल 3 से 17 जो है वो कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को डील करता है। आर्टिकल 3 कहता है कि कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या होगी, क्योंकि जो गवाह है कौन सा वो गवाह है जो कि एक कम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। तो सबसे पहले ये बात है, हर वो इंसान जो कि एक क्वेश्चन को समझता है और उसका रैशनल जवाब दे सकता है, उसका रैशनल आंसर दे सकता है, वो कम्पिटेंट विटनेस होगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है वो किसी चीज़ में भी हो, चाहे वो ड्रंक हो, लेकिन अगर वो बात समझ सकता है और उसका रैशनल जवाब दे सकता है तो वो एक कम्पिटेंट विटनेस है। उसको दौरे पड़ते हैं, पागल है, लेकिन जिस वक़्त वो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अगर उस वक़्त उस चीज़ का सही आंसर दे रहा है, बात को समझ रहा है, तो वह एक कम्पिटेंट विटनेस होगा। आर्टिकल 3 हमें कहता है जी, ल्यूनेटिक है, चाइल्ड है, या फिर डब एंड डम्ब है, गूंगा बहरा है। ल्यूनेटिक कहते हैं जी जो जिसको दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी कोई डिसीज है उसको, ग्रीवियंस है, अगर इस वजह से वो बंदा ल्यूनेटिक है तो वो एक कम्पिटेंट विटनेस नहीं है उस वक़्त तक जब तक वो इस डिसीज में मुबतला है। लेकिन अगर उसको जो दौरे पड़ रहे हैं, ल्यूनेंसी जो उसकी है वो मुख्तलिफ इंटरवल्स में है, तो उस सूरत में वो बंदा जो है उस वक़्त वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं है। वो कम्पिटेंट विटनेस उस वक़्त है जब उसको वो दौरा नहीं पड़ा, वो बात को समझ रहा है और उसका रैशनल आंसर दे रहा है। इसी तरीके से सेकंड है चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो अगर किसी भी एज का है, अगर वो बात को समझ रहा है और उसका सही आंसर भी दे रहा है, तो उस सूरत में रैशनल आंसर दे रहा है, लॉजिकल आंसर दे रहा है, तो वो एक कम्पिटेंट विटनेस है। आर्टिकल 3 ये कहता है। डफ एंड डम्ब जो है, गूंगे बहरे जो हैं, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उनका एक अपना जो सिग्नल्स होते हैं, इशारे होते हैं, अगर वो बात को समझ रहे हैं और उसका सही आंसर भी दे रहे हैं तो वो भी कम्पिटेंट विटनेस हैं। ये आर्टिकल 3 हमें कहता है कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस और कैपेबिलिटी ऑफ द विटनेस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कम्पिटेंसी इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी एक सेपरेट चीज़ है। एक इंसान कम्पिटेंट तो हो सकता है लेकिन वो कैपेबल नहीं हो सकता। उसके एग्जांपल है मजिस्ट्रेट, जजीज, सेशन जजीज, सिविल जजीज। अब वो कम्पिटेंट विटनेस हैं लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है उस वक़्त जब वो खुद ट्रायल कर रहे हैं। अगर एक जज खुद ट्रायल कर रहा है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बतौर विटनेस पेश हो या वो जवाब दे। हाँ, अगर वो खुद विलिंग है बतौर विटनेस पेश होने का, तब वो कैपेबल भी है और कम्पिटेंट भी है। तो कैपेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कम्पिटेंसी, कम्पिटेंसी है लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर भी वो विटनेस नहीं है। इसके अगेंस्ट आर्टिकल 17 कहता है नंबर ऑफ द विटनेस। नंबर ऑफ द विटनेस जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। लॉ में कहीं पे भी नहीं है सवाए हदूद ऑर्डिनेंस के, जो हदूद लॉज में जो है, जो कुरान और हदीस ने विटनेसेस बयान कर दिए हैं, उतने ही विटनेसेस जो हैं वो होंगे। जैसे कहा गया है कि जिस जना के केस में, रेप के केस में, 376 के केस में, अगर जो है वो 4 मर्द, अकल बालग और जो तज़कियतुल शुहूद पर पूरे उतरते हों, वो विटनेस होंगे, आई विटनेस होंगे, तो तब ही जो है उसको जो है वो कम्पिटेंट करा दिया जाएगा और वो उनकी एविडेंस होगी। इसी तरीके से कुछ और जो है वो हदूद लाज में 2 मेल विटनेसेस का जिक्र है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इनके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है आपके, फाइट है, कुछ और मैटर्स हैं, चीटिंग है, और जितने भी मैटर्स हैं उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो विटनेस हैं वो मेल हो और 2 हों। कोर्ट अगर उसको रीजनेबल समझती है,
वो फीमेल पे भी रिलाई कर सकती है, फीमेल एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है, दो फीमेल हो सकती हैं, तीन फीमेल हो सकती हैं, एक मेल, दो तीन फीमेल, एक मेल फीमेल, और बाद मामला में सिर्फ फीमेल भी कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। मतलब जो डिलीवरी इश्यूज हैं, औरतों के जो मामला हैं, उसमें मेल का विटनेस होना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो उन सूरत में जो फीमेल ही है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो। थैंक यू।